नमस्कार, संसार क्रांति की टीम आज जींद में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है हरियाणवी लोक गायक नरेश विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी सिंगिंग के माध्यम से हरियाणा में एक अलग से पहचान बनाई है। नरेश विद्यार्थी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संसार क्रांति के खास कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों जी, मैं आपका अपना छोटा भाई नरेश विद्यार्थी जी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ संसार क्रांति का। मैं संसार क्रांति से कंटिन्यू 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा माहौल बनाया है संसार क्रांति ने, एक युवाओं को संदेश देने का, लड़कियों को शिक्षित करने का, खेल को बढ़ावा देने के बारे में मैंने देखा संसार क्रांति का, मेरे पास न्यूज आती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संसार क्रांति, धन्यवाद करता हूँ संसार क्रांति टीम का, यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ मैं। बिल्कुल नरेश जी, जहाँ हम सिंगिंग लाइन की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर काफ़ी लोग गायक रहे हैं, जहाँ हम लक्ष्मी चंद की बात करते हैं, उसके बाद भी मांगे राम रहे हैं, तो काफ़ी सिंगर रहे हैं। अभी यदि जहाँ हम सिंगरों की बात करते हैं, एक बाढ़ आ चुकी है घर घर, जो पंजाब वाली जो बात है, वो उसी प्रकार से इसके बारे में क्या विचार देना चाहोगे आप दर्शकों को? भारद्वाज जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो हरियाणा में आज एक कलाकारों की बाढ़ आई हुई है जी, कला कोई बिजनेस नहीं है जी। सबसे पहले तो कला एक तपस्या है, वो हर कोई कलाकार तपस्या नहीं कर सकता। कला के क्षेत्र में बड़ा लंबे समय तक ठहरना सबके बस की बात नहीं है। जो ये आज बरसाती मेंढक हैं, ये कलाकार हैं, एक दो गाना करा, इनके शौक होते हैं लड़कियों के साथ मटकने के, ये अपने शौक पैसे के तौर पर पूरे तो कर लेते हैं, आगे तो नहीं चल पाते ना। कला के क्षेत्र में लंबा जुड़ा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। बिल्कुल नरेश जी, जैसे आप जब सिंगिंग लाइन में आए हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? एक तो आपने आपका हुनर आगे लेकर के आना था, जो आपका शौक था, या आप पैसों के लिए इस लाइन में आए हो? क्या उद्देश्य लेकर के आप इस लाइन में आए हो? देखिए, ना ही तो मेरा आज भी ये पैसा नहीं है जी जी, कला के क्षेत्र में पैसा कमाना मेरा कोई वो नहीं है। बिल्कुल, ना ही मैं यहाँ से पैसा कमाना चाहता जी। जो मेरा उद्देश्य था कला के क्षेत्र में आना, मैंने एक बार प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे को ये लगा कि लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये जी। मैं लोगों से जुड़ने के लिए इस क्षेत्र में आया। बिल्कुल, और मेरे को प्यार भी मिला है, मान सम्मान भी मिला है, और देखो जहाँ बंदा काम करता है वहाँ उसका जी जी गुजर बसर तो चल ही जाता है, और परमपिता परमात्मा का एक आशीर्वाद मानता हूँ मैं तो, कि मेरा यहाँ से परिवार का गुजारा भी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल नरेश जी, देखो जब हम जीवन में जो को कार्य करते हैं ना, या तो हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, या कोई मार्गदर्शन करने वाला होता हमें, तो आपको जो गायकी का जो एक नशा माने आप बतौर आपने अपने इसके प्रोफेशनल रूप से आपने धारण किया इसको, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? सही मायने में तो ये प्रेरणा मैंने मेरी माँ से मिली है जी। मेरी माँ बड़े शांत स्वभाव की, धार्मिक विचारों की है, वो दोनों वक्त परमपिता परमात्मा का भजन करती हैं, तो मेरे अंदर भी ये भावना जगी। और मेरी माँ दोनों वक्त जब भगवान का भजन करती हैं, तो मेरे अंदर भी एक कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से जुड़ा इस क्षेत्र में आने के बाद जी,